हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बीबीए का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, बीकॉम एंड बीबीए के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलते हैं। जो हमारा बीकॉम में है वो है सिर्फ एडवर्टाइजिंग, जो डीएससी पेपर है डीएससी 502T, और ये वाला जो पेपर है आप देख सकते हो बीबीए डीएससी 502T सेम है। हमारा भी डीएससी 502T है, इनका भी डीएससी 502T है, बस इनका जो है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। इनका ब्रांड मैनेजमेंट एक अलग पोर्शन है और बीकॉम में सिर्फ एडवर्टाइजिंग होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है। ऑप्शन एल बी है, सेक्शन ए की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए लिखा हुआ है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, 20 मार्क के 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, हर एक का एक मार्क का क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन बाय एडवर्टाइजिंग, जो बहुत ही सिंपल है। मेंशन वन इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एस भी बहुत ईजी है। अमंग द फोर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, आपको पता होना चाहिए फोर एलिमेंट्स क्या क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, ये सारे पीस हैं, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अंडर व्हिच एलिमेंट इन एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्ड, ये है नंबर फोर है। हु फर्स्ट प्रोनाउंस द AIDA मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके बाद देखिए इन द AIDA मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग व्हाट डस ए स्टैंड फॉर, क्या करता है। व्हाट इज मीन बाय ब्रांड साइलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके बाद देखिए व्हाट इज मीन बाय द टर्म एक्सपोजर इन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद देखिए डिफाइन द टर्म पोजिशनिंग। तो ये सारे क्वेश्चन पहले पेज में आपको मिल जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी वन पोजीशन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द कंपनीज, उसके बाद देखिए व्हाट डज यूएसपी स्टैंड फॉर। यूएसपी का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, खास करके अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं तो यूएसपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर थ्रस्ट एरियाज इन मीडिया प्लानिंग, उसके बाद देखिए व्हाट इज मीडिया मीडिया शेड्यूलिंग, ये वाला बीकॉम में भी था और बीबीए में भी है ये पोर्शन। व्हाट इज मीन बाय द टर्म मीडिया व्हीकल, ये भी है। व्हाट डिफाइन द टर्म मीडिया फ्लाइट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं बीकॉम से। व्हाट इज मीन बाय पल्सिंग इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये भी क्वेश्चन है। पल्सिंग मॉडल, कंटिन्यूटी मॉडल, ये सारे मॉडल होते हैं। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय सेल्स प्रमोशन, ये भी प्रमोशन बीकॉम के साथ मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मेंशन वन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की भी कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन टूल। उस क्वेश्चन नंबर 19, मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, इज बल्क मैसेज ए सेल्स प्रमोशन टूल और नॉट, यहाँ पर डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो, डिफाइन द टर्म ब्रांड इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ एडवर्टाइज मार्केटिंग, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ब्रांड एंड ए प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा ये 8 मार्क्स का आया था, मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग अपलोड कर दिया है बीकॉम वाला, वो आप जाके देख सकते हो, ये वाला बीबीए का है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, डिफाइन द टर्म ब्रांड इक्विटी। उसके बाद देखिए मेंशन वन, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन टोटल दिया है आपको, 25 में से 20 क्वेश्चन लिखने, हर एक का आपको एक मार्क मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करते हैं, आंसर एनी फाइव द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको पता है 10 मार्क के, आपको जो है 2 मार्क के 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि 10 मार्क के हैं। ठीक है, सेक्शन बी वाला, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मेंशन टू सोशल इंपैक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, और क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द स्टेजेस इंक्लूडेड इन द एडवर्टाइजिंग अपील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 29, मेंशन टू सिग्निफिकेंस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिलियरिटी फंक्शंस इन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए मेंशन टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी इन डेवलपिंग ब्रांड पर्सनालिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, देखिए डिस्टिंग्विश इन ब्रीफ बिटवीन ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो ये वाले जो 30 क्वेश्चंस हैं आपके पास हो गए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए हाउ डज मीडिया व्हीकल डिफर फ्रॉम मीडिया क्लासेस, ठीक है, कैसे डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर कंटेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, सेल्स प्रमोशन ट्रांस द प्राइस वैल्यू इक्वेशंस इन फेवर ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड्स इन FMCG मार्केट, आपको पता है 2 एग्जांपल्स क्या है सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड्स के, जैसे कि HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 35, देखिए व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं सेक्शन सी में, जो आपको पता होगा 8 मार्क के 5 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 8 करके 5 मार्क है, 40 मार्क आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राइट ए डिटेल नोट ऑन द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाई एन एडवर्टाइजर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्पिरल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, डिस्कस द चेंजेस इन मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए एडुकेट द सॉरी इल एडुकेट द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल, क्या लिखा हुआ है जैसे
मतलब वैसे मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता, ये चीज़ें थोड़े से टफ लग रहे हैं मेरे को। रूट्स अडॉप्टेड बाई एन एडवर्टाइजर इन परसुएडिंग द टारगेट ऑडियंस, ठीक है वही बताया गया है कि टारगेट ऑडियंस को कैसे परस्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डिस्कस डिफरेंट बजटिंग डिसीजन रूल्स अडॉप्टेड बाई एन एडवर्टाइजर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फीचर्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मीडिया शेड्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेलुएट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। उसके बाद देखिए 43 देखिए, डिस्कस द कॉमनली अडॉप्टेड कंज्यूमर स्कीम्स बाई कंपनीज एज टूल्स फॉर सेल्स प्रमोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन ब्रांडिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जो फाइनल क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, मैंने आपको शेयर कर दिया है, ये एडवर्टाइजिंग बीबीए का एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो सबको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा।